हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यस सब कैसे हो? सब मजे में ही होंगे एंड यस एवरीबॉडी मस्ट बी डूइंग वेल। ठीक है, सब पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे एग्जाम पर। ओके, बिकॉज मैथ्स इज अ सब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ एग्जाम, बस इट्स नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ रीडिंग। ओके, सो जस्ट आपको पेन कागज लेके नोटबुक लेके एग्जाम बस प्रैक्टिस करने होंगे। ठीक है, ये सब अच्छे से कर भी रहे होंगे। यस, कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम्स है तो यू कैन आस्क मी। ठीक है, नाउ हम ये स्टडी कंटिन्यू करेंगे, फोर्थ का प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, और उसमें जो थर्ड टाइप का एग्जाम्पल जो मैंने बोला था, मल्टीपल ऑफ सम नंबर या डिविजिबल का सम नंबर, उस टाइम का टाइप के एग्जाम्पल है, उसमें से एक इलस्ट्रेशन एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ओके, वो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यस, लास्ट लेक्चर में वो हमने किया है, उसी हिसाब से आगे बढ़ना है। लेकिन के प्लस वन में एक लास्ट स्टेप में थोड़ा हमें समझना है, वो देखना है यहाँ पे। ठीक है, नाउ प्रूव दैट 2 × 7 = n प्लस, यस इस चैप्टर में बार बार वो चीज मुझे रिपीटेडली बोलने की जरूरत नहीं है, 3 स्टेप से चेक करने रहते हैं। n इज इक्वल टू 1 के लिए, n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है, वो ट्रू है, वो एक्सेप्ट करके लिए, वो मान के हम n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू है ये एस्टेब्लिश करते हैं। बस यही चीज है, यहाँ पे भी यही करना है। यस, लेट अस रीड द एग्जांपल फर्स्ट। प्रूव दैट 2 × 7 = n प्लस 3 × 5 = n माइनस 5 इज डिविजिबल बाय 24 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। ओके, लास्ट लेक्चर में जो एग्जांपल वो छोटा था, यस ये थोड़ा बड़ा है, दैट्स इट, नथिंग एल्स, बाकी चीजें वही करनी है, नया कुछ नहीं करना है। ओके, हाउ? पहले तो स्टेटमेंट डिफाइन करेंगे, लेट पी ऑफ n बी द गिवन स्टेटमेंट। ओके, दैट इज पी ऑफ n 2 × 7 = n प्लस 3 × 5 = n माइनस 5 n बिलोंग्स टू n इज डिविजिबल बाय 24, that means it is divisible by 24, that means it is a multiple of some 24. Okay, now all n belongs to n hai, yes, first step for just mechanical way mein karna hai aur kuch nahi, for n is equals to 1 statement, n is equals to 1 rakhenge, the result 24 ka multiple aa raha hai ki nahi wo hume check karna hai, yes, 2 × 7 = 1 plus 3 × 5 = 1 माइनस 5, दैट इज 14 प्लस 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 24, यस, व्हिच इज डिविजिबल बाय 24, व्हिच इज डिविजिबल बाय 24, दैटफॉर p ऑफ 1 इज ट्रू। ओके, नाउ नेक्स्ट P of k is true, then we will assume that for some k belongs to n, और जब भी हम k belongs to n लेते हैं उसके लिए, तो 1 के अलावा और कोई k होगा इसके लिए ट्रू है, दैट मीन्स ब्रैकेट में लिखेंगे k greater than 1, P of k is true, that is P of k, यहाँ पे n की जगह पे k ले लेना है, 2 × 7 = k प्लस 3 × 5 = k माइनस 5 k बिलोंग्स टू n, k ग्रेटर देन 1 इज डिविजिबल बाय 24, ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये हम एक्सेप्ट कर लेंगे, इसका हम इस्तेमाल करेंगे। नाउ n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हमें प्रूव करना है कि वो 24 से डिविजिबल है कि नहीं, तो उसके लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, तो 2 × 7 = k + 1 प्लस 3 × 5 = k + 1 माइनस 5 इज डिविजिबल बाय 24, दैट मीन्स इट इज मल्टीपल ऑफ सम 24 का कोई मल्टीपल होगा, ये चीज हमें प्रूव करनी पड़ेगी। लेकिन वो उसके ओर जाने से पहले ये 24 का 24 से डिविजिबल है, सो यस इसका जो रिजल्ट रहेगा
वो भी कोई 24 का मल्टीपल रहेगा ही, यस उसके ऊपर से जो आगे हमने किया था वही चीज 2 × 7s²k + 3 × 5s²k − 5 = 24d, where d belongs to n because it is divisible by 24. इसमें से जो सबसे बड़ा पावर है वो उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे. सो यस 2 × as it is ये ले लीजिए 2 × 7s²k, इसको मैं राइट हैंड साइड लेके जाऊंगा 2 × 24d − 3 × 5s²k + 5. इस रिजल्ट का हम यूज करेंगे k+1 के लिए. यस थर्ड 4n = k+1. We need to prove 2 × 7s²k+1 + 3 × 5s²k + 1 − 5. ये हमें 24 से डिविजिबल है, 24 का कोई मल्टीपल ऐसा हमें प्रूव करना होगा. इसमें जो आगे के एग्जांपल में था वही 2 × 7s²k सेपरेट करेंगे, इसलिए वैल्यू यहाँ पे रखें बिकॉज ये ट्रू है. इसके ऊपर से ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं और इसके ऊपर से ये चीज ट्रू है वो हमारे पास है, उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, तो यस यहाँ पे 2 × 7s²k × 7s1 ये लिख सकते हैं, बेस हमने सेपरेट किया. यस सेम में यहाँ पे 3 × 5s²k × 5s1 − 5. 2 × 7s²k की जगह पे ये वैल्यू हम लिख सकते हैं 7s²1 दैट इज 7 ब्रैकेट में इसकी जगह पे वैल्यू 24d − 3 × 5s²k + 5. बाकी के टर्म्स जैसे है वैसे ही 3 × 5 − 5 = 15 × 5s²k − 5. एक्सपांड करेंगे 7 × 24d ही लिखो बिकॉज हमको 24 कॉमन निकालना है अल्टीमेटली, तो मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है. यस ये 7 × 21 × 5s²k + 35 + यहाँ पे 15 × 5s²k − 5. यस ये तो आ गया. लाइक टर्म्स इकट्ठा करेंगे −21 × 5s²k + 15 × 5s²k. ये लाइक टर्म्स है, −21 + 15 दैट इज अ −6 होगा. यस −6 × 5s²k. यहाँ पे 35 − 5 तो ये होगा 30. यस अब देखेंगे तो फर्स्ट टर्म में से 24 निकल रहे हैं बट यहाँ पे स्टिल हम देख रहे हैं ये 7 × 24d − इनमें से 6 कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट में बचेगा 5s²k − 5. नाउ ये अगर 24 से डिविजिबल ऐसा मुझे प्रूव करना होगा तो मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो स्टेटमेंट 2 × 7s²k + 1 + 3 × 5s²k + 1 − 5 वो 24 का मल्टीपल है. इसमें मुझे ये जिस वजह से यहाँ पे 24d लिखा है, 24 मल्टीप्लाई विद समथिंग कोई नंबर आना चाहिए. यस यहाँ पे इसमें से 24 निकलेगा बस, इसमें से तो 6 कॉमन निकल रहा है 5s²k − 5. ये चीज हमें एक चेक करना पड़ेगा यहाँ पे, दीज आर ट्रू फॉर k > 1. अगर कुछ k की वैल्यू ले लो आप, k की वैल्यू 2 लोगे तो 5² = 25 − 5 = 20 विच इज डिविजिबल बाय 4. 3 लो 5³ यानी 125 − 5 दैट इज 120 विच इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4 बिकॉज यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 6 है तो 24 लाना है. 5s²4 लोगे 5s²4 = 625 − 5 = 620 वो भी 4 से डिविजिबल होंगे. तो इन जनरल वी कैन राइट लाइक दिस फॉर k > 1 5s²k − 5 इज अ मल्टीपल ऑफ 4. ओके जस्ट मैंने आपको ये दिखाया यहाँ पे. यस यही चीज मैं जो बोल रहा था जो लास्ट का स्टेटमेंट है ये, बिकॉज ये 24 से डिविजिबल मुझे प्रूव करना है तो यस ये जो स्टेटमेंट है उसका सिंप्लीफिकेशन 24 का कोई मल्टीपल आना ही चाहिए. यहाँ पे फर्स्ट में से आ रहा है लेकिन इसमें 6 4 यहाँ पे नहीं आ रहा है बट
ये जो स्टेटमेंट है फाइव इज टू के माइनस फाइव के की डिफरेंट वैल्यूज के लिए ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो सारे रिजल्ट्स फोर के मल्टीपल, तो इसकी जगह पे मैं ये लिख सकता हूं 7 इंटू 24 डी माइनस 6 इंटू 4 टी बिकॉज 5 इज टू के माइनस 5 इज मल्टीपल ऑफ 4 फोर के ग्रेटर देन 1। सो यस, और यहां पे आप ये भी लिख सकते हो टी बिलोंग्स टू एन, यस 4 का कोई मल्टीपल है। तो नाउ हमारे पास आ गया स्टेटमेंट which is equals to 7 into 20, yes, दोनों में से 24 और कॉमन निकलेगा, 24 ब्रैकेट में 7d माइनस t, so that means n is equals to k plus 1 के लिए जो स्टेटमेंट है वो कौन 24 का मल्टीपल आया है, that means 24 so divisible है, therefore p of k plus 1, but therefore yes P of K plus 1 is true, therefore P of N is true for all N belongs to N. CH is okay. Okay? So yes, ये इस तरीके से सिंपल तरीके से इस तरह से आगे बढ़ना है okay? और इस तरह से ही ये एग्जाम्पल हमें करने हैं, ये मल्टीप्लीकेशन टाइप का या तो डिविजिबल बाय सम नंबर का जो है उस तरह का ये चीज है ओके, या डिविजिबल बाय सम नंबर या मल्टीप्लीकेशन ऑफ मल्टीपल ऑफ सम नंबर, वो दोनों का मीनिंग सेम ही होगा, वो कोई पर्टिकुलर नंबर से वो डिविजिबल कब होगा जब वो एक्सप्रेशन उस नंबर का मल्टीपल होगा तभी ही ओके। तो ये वही कॉन्सेप्ट हमें इस्तेमाल करना है, सेम वे हमें जाना है ठीक है। सो जस्ट डू इट फास्ट, हम दूसरा एक इलस्ट्रेशन का है उसके बाद एक्सरसाइज के कुछ इसके रिलेटेड एग्जाम्पल है वो देख के फिर फिनिश करेंगे ये चैप्टर ओके। सो जस्ट डू इट, ये स्टूडेंट यहाँ पे ये एक एग्जाम्पल है जस्ट इजी है, क्विकली फिनिश करते हैं। प्रूव द रूल ऑफ एक्सपोनेंट ए इंटू बी रेस टू एन इज इक्वल्स टू ए रेस टू एन इंटू बी रेस टू एन बाय यूजिंग पीएमआई, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर एवरी नेचुरल नंबर्स ओके। यस इट्स इजी, नॉट डिफिकल्ट, लेट पी ऑन बी द P of N be the given statement okay, that is P of N A into B whole raised to N is equal to A raised to N B raised to N N belongs to N okay, yes that's it, it's like a statement yes, first for N is equal to 1 yes n is equals to 1 यहाँ पे ये इक्वेशन टाइप का है, लेफ्ट हैंड साइड दैट इज a प्लस बी होल रेस टू 1 दैट इज ए बी, ये राइट हैंड साइड a रेस टू 1 इंटू बी रेस टू 1 दैट इज ए बी, therefore लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, therefore p ऑफ 1 इज ट्रू, सेकंड लेट फॉर सम k belongs to n p of k is true, that is p of k a into b whole raised to k is equals to a raised to k b raised to k k belongs to n is true yes 9 now एन इज इक्वल्स टू यस, उसमें ये चीज हमें इस्तेमाल करनी पड़ेगी। नाउ थर्ड, नाउ फोर, एन इज इक्वल्स टू के प्लस 1, यस के प्लस 1 के लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, यस इसकी जगह पे ए इंटू बी रेस टू के प्लस 1 इज इक्वल्स टू ए रेस टू के प्लस 1, जहां पे के उसकी जगह पे के प्लस 1 इंटू बी रेस टू के प्लस 1, ये चीज हमें प्रूव करनी होगी, दैट मीन्स ए इंटू बी रेस टू के प्लस 1 यस a प्लस ए इंटू बी, इसको स्टेटमेंट 1 बोलो, a इंटू बी रेस टू के प्लस 1 इट इज इक्वल्स टू ए टू के प्लस 1 इंटू, यस ये डायरेक्टली नहीं लिखना है पीएमआई का हमें, यस इसका हमें यूज करना है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, यस यहाँ पे बेस सेपरेट करेंगे तो a इंटू बी रेस टू के
into AB raised to 1. Now, A into B raised to K, ये स्टेटमेंट ट्रू है, हमने वो ले लिया, तो उसकी जगह पे ये चीज हम लिख पाएंगे. यस, यहाँ पे ये A raised to K, B raised to K और ये A raised to 1 into B raised to 1 because from 1, yes, A raised to K into yes, A raised to K plus 1 into B raised to K plus 1, ये प्रूफ हो गया. दैट्स इट. K plus 1 के लिए हमें यही प्रूफ करना था. देयरफॉर P of K plus 1 is true. Therefore, P of N is true for all. Yeah, every N belongs to N. Yes, okay. Easy tha. Straightforward tha question. Yes, lekin yahan pe ye likhna hai jo because humko ye statement use karna hai. Ye true humne mana. Humein pata to hai ye cheez aati hi hai. बट यहाँ पे हमें प्रूव करना है. यस, यहाँ पे पी ऑफ के का यहाँ पे इस्तेमाल करना है, तो इसको पी ऑफ के वाले टर्म से सेपरेट करके यस उसका रिजल्ट का हमने इस्तेमाल किया, आगे बढ़ गए. ठीक है, सो इस तरह से ये क्वाइट इट वाज क्वाइट इजी. तो जस्ट राइट डाउन क्विकली, हम एक्सरसाइज के लास्ट के जो मुझे दो तीन दिखाने हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ. एंड जस्ट मोस्ट प्रोबेबली वी विल कंक्लूड दैट लेक्चर टूडे, सॉरी वी विल कंक्लूड दैट चैप्टर इन दिस लेक्चर ओनली. ओके, सो जस्ट राइट डाउन फर्स्ट. यस स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज 4.1 का 19 वाला लिखा है. यस, यहाँ पे मैंने प्रूव बाय यूजिंग पीएमआई वगैरह स्टेटमेंट नहीं लिखा, बिकॉज यस उसी चैप्टर का हम कर रहे हैं, उसमें एक ही टाइप के एक ही स्टेटमेंट सर्विक में रहता है. ओके, सो आई एम जस्ट राइट नॉट राइटिंग इट अगेन, बट यू कैन अंडरस्टैंड बाय यूजिंग पीएमआई फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, प्रूव दैट एन एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 5 इज अ मल्टीपल ऑफ 3. यस, अभी तक जो एग्जाम्पल जो देखे उसमें डिविजिबल था, यहाँ पे मल्टीपल चीज वही है. ओके, सेम चीज ही रहेगी, मीनिंग सेम ही रहेगा. ओके, इट्स अ गुड एग्जाम्पल. थोड़ा एन इज इक्वल्स टू के प्लस 1 में यहाँ पे थोड़ा समझ के करना है. वो इजी चीजें है, डिफिकल्ट तो नहीं, बट लॉजिकली के प्लस 1 के लिए किस तरह का आंसर आना चाहिए, उसके जो टर्म्स है वो कैसे सेपरेट करने, वो चीजें हमें समझनी है और कुछ नहीं है. ठीक है, सो यस, यहाँ पे n इंटू एन प्लस 1 प्लस एन प्लस 5 इज अ मल्टीपल ऑफ 3. ओके, तो यस लेट गिवन स्टेटमेंट बी पी ऑफ n, दैट इज पी ऑफ n एन एन प्लस 1 n plus 5, n belongs to n, is a multiple of 3. ये स्टेटमेंट हो गया. फर्स्ट स्टेप फॉर n is equals to 1, दैट मीन्स इस स्टेटमेंट में हमें n is equals to 1 लेना है, जो आंसर है वो 3 का मल्टीपल आ रहा है कि नहीं वो चेक करना है. तो यस, यहाँ पे 1 प्लस 1, 1 प्लस 5 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 6 is equals to 12. Yes, is this a multiple of 3? Yes, it is divisible by 3. That means it is a multiple of 3, which is multiple of 3. Therefore, yes, n is equals to 1 ke liye true hai. Therefore, P of 1 is true. Second assumption. Okay, inductive state. Let for some k belongs to n, p of k is true. That is p of k is true. That means n की जगह पे k ले लेना है. k plus 1, k plus 5. K belongs to n, k greater than 1 is a multiple of 3. Okay, now ये multiple या divisible वाला है तो हमें पता है कि yes इसको हमें extend करना पड़ेगा. yes, इसके ऊपर से हमें कुछ इस्तेमाल करना पड़ेगा. yes, यहाँ पे k plus 1, k plus 5 is a multiple of 3. That means we can write therefore k plus 1
के प्लस फाइव इज इक्वल्स टू थ्री इंटू डी, डी बिलोंग्स टू एन, बिकॉज ये थ्री का मल्टीपल रेफरेंस, इसका जो आंसर होगा या इसका जो रिजल्ट होगा वो थ्री मल्टीप्लाइड बाय सम नंबर, एनी नंबर कोई भी आ सकता है, ठीक है। सो वो थ्री डी इस तरह से हम लिख सकते हैं। नाउ यहाँ पे क्या चीज है, अभी तक तो जो डिविजिबल या मल्टीपल के एग्जाम्पल थे तो उसमें सम या डिफरेंस उस तरह का एक स्टेटमेंट था, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है तो यहाँ पे किसी को सब्जेक्ट नहीं बनाया, लेकिन इसका इस्तेमाल तो करना है ही, वो हम आगे देखते हैं किस तरह से। ओके तो यस, इसको रिजल्ट मान लो वन। थर्ड स्टेप नाउ फोर, एन इज इक्वल्स टू के प्लस वन। नाउ मुझे एन इज इक्वल्स टू के प्लस वन के लिए पी ऑफ के स्टेटमेंट, जहां पे के उसकी जगह के प्लस वन रख के जो आएगा वो थ्री का मल्टीपल ऐसा प्रूव करना पड़ेगा। दैट मीन्स हम साइड में लिखेंगे फॉर रेफरेंस में, अगेन जो लिखता रहता हूं फॉर रेफरेंस, मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा, के की जगह के प्लस वन, दैट इज के प्लस वन, और ये हो जाएगा के प्लस टू, के प्लस सी इज मल्टीपल ऑफ थ्री, ऐसा मुझे प्रूव करना पड़ेगा। दैट इज ये एक्सप्रेशन में रख के इसमें से इसका इस्तेमाल करके ये कोई थ्री का मल्टीपल है ऐसा प्रूव करना पड़ेगा। ये साइड में लिखना है, ओके सो इट्स नॉट फॉर पार्ट ऑफ मेन एग्जाम एग्जाम्पल, बट ये एन इज इक्वल्स टू के प्लस वन के लिए इस तरह का स्टेटमेंट हमें प्रूव करना है, वो चीज लिखने के लिए लिखा है। तो जैसे आपने फॉर एन इज इक्वल्स टू के प्लस वन, तो जैसे यहाँ पे यही है के की जगह पे के प्लस वन, दैट इज के, ये के प्लस वन प्लस वन के की जगह पे के प्लस वन प्लस फाइव इज इक्वल्स टू के, के प्लस टू, के प्लस सिक्स, ये चीज है। ओके नाउ हाँ नहीं, मिस्टेक हो रही है। फर्स्ट टर्म लिखने में ही मैंने जस्ट के की जगह पे के प्लस वन, सॉरी के प्लस वन, यस यहाँ पे के प्लस वन प्लस वन, यहाँ पे के प्लस वन प्लस फाइव, ओके सो इट इज के प्लस वन, के प्लस टू, के प्लस सिक्स, ओके ये चीज हुए हमारे पास। ओके नाउ अब यहां पे मुझे प्रूव करना है कि ये थ्री का मल्टीपल, दैट मीन्स थ्री इंटू सम नंबर, ये सब मुझे प्रूव करना पड़ेगा। ये प्रूव करने के लिए मुझे इस चीज का इस्तेमाल करना है, मीन्स ये पूरा है ना, मुझे यहां पे एक्सप्रेशन आना चाहिए, बिकॉज हमने ये ट्रू माना है फॉर के, इट इज ट्रू वो माना है, दैट मीन्स के इंटू के प्लस वन प्लस के प्लस फाइव इज इक्वल्स टू थ्री डी, वो हमने मान लिया है, वो सही है, उसका बेस लेके के प्लस वन के लिए, दैट मीन्स ये एक्सप्रेशन इसमें से अलग करना है। तो वो कैसे होगा, ये के लूंगा इसको मल्टी, लेकिन यहाँ पे के प्लस वन आना चाहिए और यहाँ पे के प्लस फाइव आना चाहिए, एक एक करके हम सेपरेट करते जाते हैं और ये पूरा एक्सप्रेशन एक इसमें से सेपरेट कर देंगे किस तरह से। यस पहले तो यहाँ पे के प्लस वन, अगेन इसको मैं बिकॉज आई वॉन्ट दिस के इंटू के प्लस वन इंटू के प्लस फाइव, इसमें से इसकी जगह पे वापस मैं इस तरह से लिख सकता हूं और इसका रिजल्ट इसकी को कोई बात नहीं, एक एक करके करते हैं। के को इस पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करो, तो यस ये हो जाएगा के के प्लस वन प्लस वन, यस ये टर्म मुझे लाना है, वो ध्यान रखना है, इनटू यस नो प्रॉब्लम, पहले ये दो करो फिर थर्ड वाला हम कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। तो यहां पे देखेंगे यस के को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, यस फर्स्ट वाले इसके टर्म के साथ, और वन को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो यस प्लस ये वही होगा के प्लस टू की होगा। ओके यस यहां पे मैंने क्यों सेपरेट नहीं किया, क्योंकि के इंटू के प्लस वन यहां पे मुझे लाना है। ओके और यस इन दोनों का मैंने सिंप्लीफिकेशन किया है, ये के प्लस सिक्स पा, यस यहां पे के इंटू के प्लस वन हो जाएगा प्लस ये के प्लस, ये ऐसे ही रहेगा के प्लस टू, के प्लस सिक्स, ये चीज आ गया।
नाउ अगेन मुझे के इंटू के, बिकॉज ये यूज करना है इसलिए मैं ये एक्सप्रेशन यहाँ पे ला रहा हूँ, के के प्लस वन तो आ गया, अब के प्लस फाइव, तो यस यहाँ पे इसको के प्लस फाइव प्लस वन लिख सकता हूँ, तो यस यहाँ पे ओके फाइन नो प्रॉब्लम, ये के के प्लस वन, ये चीज जो मुझे मिल रही है वो इस यहाँ पे 2k प्लस टू अभी मैं लिख देता हूं, तो इसकी जगह पे मैं k प्लस फाइव, बिकॉज ये चीज चाहिए प्लस वन, ये चीज मैं लेके आया हूं। नाउ इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो ये k k प्लस वन ब्रैकेट में k प्लस फाइव प्लस वन, और अगेन इसको भी प्लस टू के प्लस वन मल्टीप्लाई बाय दिस एक्सप्रेशन। ओके या ये एज इट इज लिखो के प्लस सिक्स, नो प्रॉब्लम, यहां पे नहीं किया क्योंकि ये चीज मुझे लानी है। अगेन यहां पे ये के के प्लस वन के प्लस फाइव, और यहां पे ये के के प्लस वन प्लस टू के प्लस वन इंटू के प्लस सिक्स, ये चीज हो गई यस के इंटू के प्लस वन के प्लस थ्री डी, इसकी जगह पे थ्री डी हम लिख सकेंगे। इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, क्योंकि के प्लस वन ब्रैकेट में बचेगा के प्लस is no problem, yes ये होगा 2k plus 12, और यहां पे because from 1, okay ये चीज मैंने लिखी 3d plus k plus 1, yes bracket में होगा 3k plus 12, 3 common निकलेगा 3d 3 k प्लस वन के प्लस फोर, पूरे एक्सप्रेशन में से थ्री कॉमन निकलेगा इज इक्वल्स टू थ्री ब्रैकेट में d प्लस k प्लस वन k प्लस फोर, यस दैट मीन्स k प्लस वन के लिए जो एक्सप्रेशन है वो थ्री का मल्टीपल हो गया, यस सो दैट फॉर p ऑफ k प्लस वन इज ट्रू, therefore p of n is true for every n belongs to n, okay yes again I am just showing, ये मैंने क्या अभी तक आपको वो अंदाजा आ तो गया होगा कि हमें क्या करना रहता है, लेकिन इकट्ठा सब चीज करोगे तो यू मे गेट बी एंटेंगल बटरफ्लाई, तो यहाँ पे एक बाय एक स्टेप से हमें करना रहेगा, हमें यहाँ पे n into n plus 5, n 1, n into n plus 1, into n plus 5 is a multiple of 3, ऐसा हमें प्रूव करना है बाई पी एम आई, यस एन इज इक्वल्स टू 1 के लिए आंसर आता है 12, विच इज अ मल्टीपल ऑफ 3, दैट्स ट्रू, सो n इज इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू है, k के लिए ट्रू है, दैट मीन्स पी ऑफ k इज ट्रू, दैट मीन्स k into k plus 1, k plus 5 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, यस आगे जो डिविजिबल या मल्टीपल वाला एग्जाम्पल हमने दो किए हैं उसमें सम या डिफरेंस ऐसा एक्सप्रेशन था, बट यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का था, तो यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं बना पाएंगे, यहाँ पे हमें ये थ्री का मल्टीपल है, दैट मीन्स ये एक्सप्रेशन जो है के के प्लस वन के प्लस फाइव वो थ्री मल्टीप्लाई बाय सम नंबर होगा, तो यस उसको थ्री मल्टीप्लाई बाय सम डी वो ऐसा नंबर लग के मैंने रख दिया वहां पे, ये थ्री का मल्टीपल है, इसके ऊपर से ये स्टेटमेंट ट्रू है, इस स्टेटमेंट को मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ, बिकॉज इसको मैंने ट्रू मान लिया है। नाउ एन इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा, तो जैसे अभी के की जगह भी के प्लस वन रखेंगे तो के प्लस वन के प्लस टू के प्लस सिक्स इज अ मल्टीपल ऑफ थ्री, यस इसको मल्टीपल ऑफ थ्री प्रूव करना है, तो यस थ्री मल्टीप्लाई बाय सम नंबर ऐसा मुझे प्रूव करना पड़ेगा, और ये प्रूव करने के लिए मेरे पास ये बेस है,
तो यस इसमें से ये चीज में सेपरेट कर रहा हूँ के इंटू के प्लस वन प्लस के प्लस फाइव। तो यस उसके लिए मैंने फर्स्ट क्या किया, इसमें से मैंने के सेपरेट यस ये सेपरेट कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे के प्लस वन आना चाहिए, तो इस के प्लस टू को अगेन मैंने के प्लस वन प्लस के प्लस वन के प्लस वन इस तरह से सेपरेट मैंने किया और ये के प्लस सिक्स लिखा। तो इन दोनों में से के इंटू के प्लस वन वाला टर्म आएगा, के से ये पूरा एक्सप्रेशन उसमें सेपरेट रखा है, वन से इसको मल्टीप्लाई किया उसमें ये साथ ही ले लिया है, बिकॉज आगे सिंप्लीफिकेशन मुझे वो साथ ही करना पड़ेगा। और यस ये इन दोनों का सिंप्लीफिकेशन किया और ये एज इट इज रखा है। इसमें से के इंटू के प्लस वन वो मैंने सेपरेट किया, दूसरा के आया। नाउ यहाँ पे के के प्लस वन टू के प्लस टू इस तरह का एक्सप्रेशन आया, अगेन मुझे के के प्लस वन इंटू के प्लस फाइव लाना क्योंकि मुझे इसका इस्तेमाल करना है। तो के इंटू के प्लस वन यहाँ पे के प्लस सिक्स आ रहा था, अगेन उसमें से मैंने फाइव और वन को सेपरेट किया, यस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया प्लस इस पूरे को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, उसको यहाँ पे एज इट इज रख दिया है। इसमें से के के प्लस वन के प्लस फाइव वो टर्म मैंने सेपरेट कर दिया, दूसरा के प्लस बाकी में से मैं सिंप्लीफिकेशन करते हुए गया कॉमन निकाला। तो ये के के प्लस वन इंटू के प्लस फाइव वो तो थ्री का मल्टीप्लाई, तो वो थ्री डी आ गया। इन दोनों में से सिंप्लीफिकेशन करते हुए थ्री कॉमन निकल रहा है, तो पूरे एक्सप्रेशन में से थ्री कॉमन निकल रहा है, दैट मीन्स इन जनरल ये चीज थ्री का कोई मल्टीपल बन रही है। तो के प्लस वन के लिए भी ये ट्रू है और इस तरह से यस वी जस्ट कंक्लूड द एग्जांपल। ओके सो इस तरह से करना है, यस दिमाग में यही रखना है कि ये प्रूव करना है तो किस तरह का आना चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है। सो जस्ट डू इट कम और एक आध एग्जाम्पल, बाकी आप 20 वाला 22 एंड 23 वाला आप आराम से कर सकते हो, यस देयर इज नो प्रॉब्लम, वो हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत जो हमने आगे किए है उसी तरह के ही है। यस 21 वाला मैं आपको दिखाऊंगा, इफ टाइम परमिट्स तो एक आध ज्यादा दिखाऊंगा, अदरवाइज ये तीन चीज आप कर सकते हो, अभी तक जो एग्जाम्पल की है उसके बेस पे ही है, सिर्फ नंबर्स चेंज हुए अदरवाइज वो सेम ही है, ठीक है। तो यस राइट डाउन क्विकली, हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देख रहे हैं। ये स्टूडेंट यहाँ पे मैंने 21 वाला एग्जाम्पल लिखा है एक्सरसाइज 4.1 का, x raise to 2n minus y raise to 2n is divisible by x plus y. Okay, now it's actually algebra है और कुछ नहीं है, देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट let Pn be the given statement. Okay, that is P of n x raised to 2n minus y raised to 2n n belongs to n is divisible by x plus y. Actually ये हमारे पास x square minus y square type का है, that means ये divisible by x plus y, that means इसका कोई एक factor एक्स जिस तरह से हम मल्टीप्लायर भी बोल रहे थे, सो फैक्टर एक्स प्लस वाई होना चाहिए, तो वो इट इज डिविजिबल बाय एक्स प्लस वाई। ओके सो यस यहाँ पे ये चीज है जो हम तीन स्टेप्स कंसिडर करते हैं, फॉर एन इज इक्वल्स टू वन ये स्टेटमेंट क्या होगा, एक्स रेस टू टू इंटू वन माइनस वाई रेस टू टू इंटू वन, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसके फैक्टर्स होंगे x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, दैट मीन्स एन इज इक्वल टू वन के लिए जो सिंप्लीफिकेशन आ रहा है वो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, दैट मीन्स इसको x प्लस वाई से डिवाइड करेंगे डिवाइड हो जाएगा x प्लस वाई कट हो जाएगा, तो यस विच इज डिविजिबल बाय x प्लस वाई, therefore P of 1 is true. Next step, let for some k belongs to L P of k is true, that is P of k yani yahi cheez x n ki jagah pe k x raised to 2k minus y raised to
टू के, के बिलोंग्स टू एंड इज डिविजिबल बाय एक्स प्लस वाई। इस अगेन यहां पे एक्सप्रेशन देखेंगे तो यहां पे जो एक्सप्रेशन में डिफरेंस है, सम या डिफरेंस हो गया तो किसी को सब्जेक्ट बनाएंगे। यस इट इज डिविजिबल बाय एक्स प्लस वाई, दैट मीन्स इट इज मल्टीपल ऑफ सम नंबर एक्स प्लस वाई का, कोई नंबर का ये मल्टीपल रहेगा। ओके सो यस यहां पे डिविजिबल बाय एक्स, जिस तरह से अभी तक डिविजिबल बाय हमने कुछ नंबर्स 24 तो 24 इंटू डी लिखते हैं एक्सप्रेशन को, तो उसी तरह से इट इज डिविजिबल बाय एक्स प्लस वाई, तो यस सम नंबर इंटू एक्स प्लस वाई ये चीज हम लिख सकते हैं। सो यस देयरफॉर वी कैन राइट एक्स रेस टू 2k माइनस वाई रेस टू 2k इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इंटू डी, दैट वी कैन राइट बिकॉज इट इज मल्टीपल ऑफ, और डी कोई भी वैल्यू एक हो सकती है, इट इज डिविजिबल बाय एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई इंटू सम एक्सप्रेशन होगा वो मैं यहाँ पे डी ले रहा हूं। ओके सो यस ये हो जाएगा आपका वन। नाउ थर्ड स्टेप के लिए, नाउ फोर एन इज इक्वल्स टू के प्लस वन। नाउ एन इज इक्वल्स टू यस यस यहाँ पे एक चीज मेरी अभी भी ले जाती है, सॉरी यस यहाँ पे किसी एक को पावर को आप सब्जेक्ट बना लो, इसके ऊपर हम लिख सकेंगे एक्स रेस टू टू के इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इंटू डी प्लस वाई रेस टू टू के, ये लिख सकते हैं। यस इसका हमें इस्तेमाल करना है, सम या डिफरेंस है ना, मल्टीपल का या डिविजिबल का, तो यस किसी एक पावर को सब्जेक्ट बना दो उसकी वैल्यू रखो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है सो यस ये चीज हो गई एक्स प्लस, ये डिविजिबल बाय एक्स प्लस वाई, दैट इज ये एक्सप्रेशन एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई सम नंबर, इसमें एक्स टू टू एक्स यस के है तो ये ट्रू है, उसके ऊपर से ये ट्रू हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरह से करेंगे। यस तो यस नाउ थर्ड फोर एन इज इक्वल्स टू के प्लस वन, एन इज इक्वल्स टू के प्लस वन के लिए मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा, एक्स रेस टू टू इंटू के प्लस वन माइनस वाई रेस टू टू इंटू के प्लस वन इज डिविजिबल बाय एक्स प्लस वाई, दैट मीन्स इसके सिंप्लीफिकेशन में हमें इस तरह का लाना पड़ेगा एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय समथिंग, ये चीज लाना पड़ेगा। ठीक है और वो लाने में हम इस चीज का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये हमने ट्रू मान लिया है। ओके तो यस नाउ फॉर एन इज गोस टू के प्लस वन एक्स रेस टू टू के प्लस वन माइनस वाई रेस टू टू के प्लस वन, ये चीज हुई एक्स रेस टू टू के है, बेस को सेपरेट करो तो यस यहां पे एक्स रेस टू 2k इंटू एक्स स्क्वायर ये चीज मैं लिख पाऊंगा माइनस यहाँ पे वाई रेस टू 2k इंटू वाई स्क्वायर, एक्स रेस टू 2k का एक्सप्रेशन में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो यस यहाँ पे एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में इसका जो एक्सप्रेशन है वो x प्लस वाई इंटू डी प्लस वाई रेस टू 2k माइनस वाई रेस टू टू के इंटू वाई स्क्वेयर, डोंट वरी आ जाएंगे लाइक टर्म्स इकट्ठा करोगे आ जाएगा, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन होगा एक्स स्क्वेयर एक्स प्लस वाई इंटू डी प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू वाई रेस टू टू के माइनस वाई रेस टू टू के इंटू वाई स्क्वेयर, वाई रेस टू टू के लगभग लाइक टर्म है तो वाई रेस टू टू के कॉमन निकलेगा एक्स स्क्वेयर एक्स प्लस वाई इंटू डी, यस वाई रेस टू टू के कॉमन निकालोगे तो यस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यस अगेन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फैक्टर्स एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई इंटू डी प्लस वाई रेस टू टू के एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, दोनों में से एक्स प्लस वाई कॉमन निकलेगा बाकी जो बचा है वो एक्स स्क्वायर डी प्लस वाई रेस टू टू के एक्स माइनस वाई, तो मैं एन इज इक्वल्स टू के प्लस वन के लिए जो सिंप्लीफिकेशन आया उसमें एक्स प्लस वाई मल्टीप्लीकेशन में आया, दैट मीन्स ये डिविजिबल बाय एक्स प्लस वाई होगा विच इज
इंडिविजिबल बाय, क्योंकि एक्स प्लस वाई मल्टीप्लीकेशन में आ रहा है, जिस तरह से मल्टीप्लायर था यहां उस तरह से यहां पे एक्स प्लस वाई है, देयरफॉर पी ऑफ के प्लस वन इज ट्रू, देयरफॉर पी ऑफ एन इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। इस तरह से हो गया। ये आगे हमने यहां पे सिर्फ फर्क इतना है, कोई नंबर्स की जगह पे x प्लस वाई दे दिया है और जो एक्सप्रेशन है वो, यस मैंने जैसे बोला प्लस और माइनस वाला कुछ एक्सप्रेशन होगा, मल्टीप्लीकेशन वाला होगा, तो आगे जो हमने एग्जांपल देखा 19th वाला उस तरह से, बट यहाँ पे डिविजिबल बाय मल्टीपल है, सो सम नंबर ऐसा कुछ भी होगा और प्लस और माइनस इस तरह का कोई भी एक्सप्रेशन होगा, तो यस यही तरीका करना है। यस एन इज इक्वल टू वन के लिए जो चेक करते, यस फैक्टराइज करते, उसमें एक्स प्लस वाई मल्टीप्लीकेशन में आता है, उससे वो डिविजिबल हो जाएगा। एन इज इक्वल टू के लिए ट्रू है वो हम मान लेते हैं, तो यस वो भी चीज होगी हमारे पास। सेम वे यहाँ पे तो यस मल्टीपल का है, एन इज इक्वल टू के लिए ट्रू है, तो यस ये एक्स प्लस वाई का मल्टीपल है, दैट मीन्स ये जो एक्सप्रेशन है एक्स इज टू टू के माइनस वाई इज टू टू के, वो एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय सम नंबर होगा, सम एक्सप्रेशन होगा। यस इसके ऊपर से एक्स इज टू टू, यस किसी भी एक को आप सब्जेक्ट बनाओ, जनरली ये प्लस से उसको आप बनाना, एक्स इज टू टू एक्स एक्स इज टू टू के उसको मैंने सब्जेक्ट बनाया। के प्लस वन के लिए मुझे प्रूव करना पड़ेगा एक्स इज टू टू इंटू के प्लस वन माइनस वाई इज टू टू इंटू के प्लस वन, वो एक्स प्लस वाई का मल्टीपल है, उससे डिविजिबल है, वो प्रूव करना है, तो एक्स प्लस वाई मल्टीप्लीकेशन में आना चाहिए। बेस सेपरेट किए, एक्स इज टू टू का एक्सप्रेशन यहाँ पे रखा, यस बाकी जो लाइक टर्म है वो सेपरेट किया, तो अगेन उसके फैक्टर्स दोनों में से एक्स प्लस वाई कॉमन, सो ये जो एक्सप्रेशन है एक्स प्लस वाई इंटू सम नंबर, दैट मीन्स ये एक्स प्लस वाई से डिविजिबल होगा ही, सो यस पी ऑफ के प्लस वन इज ट्रू, एंड सो इन जनरल फॉर एनी नेचुरल नंबर एन इट इज ट्रू। ओके सो यस इस तरह से ये एग्जाम्पल करने हैं, और यस जो मुझे दिखाने थे वो सारी चीजें मैंने आपको दिखा दी है, बाकी इसके रिलेटेड तीन एग्जाम्पल आपके एक्सरसाइज में रहते हैं, तीनों के सिमिलर टाइप्स एग्जाम्पल्स हमने मैंने आगे आपको दिखा दिए, उसके ये सिर्फ नंबर्स चेंज हो रहे हैं, वो आप कर सकते हो, वो मैं आपको होमवर्क दे देता हूं। 15 तक था एक, 16 17 और ये तीन एग्जाम्पल रहते हैं वो आपको करना है, और यस ये चैप्टर हम फिनिश कर रहे हैं, ये कंक्लूड हो जा रहा है। ओके इसमें आपका जो एनुअल एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू है या उसमें जो सिलेबस है उससे भी ज्यादा जो भी चीजें थी मैंने सारी कवर कर ली है, बट वाइजली पढ़ाई करनी है कि किस तरह से कर, लेकिन ये जो चीजें थी एडिशनल वो आपको दूसरी कई जगह पे काम आ सकती है, जो लॉजिक हम बाकी के प्लस वन में के ऊपर से अप्लाई करते हैं ना, एन इज इक्वल ट्रू लेके के प्लस वन प्रूव करने के लिए जो स्टेप्स लेते हैं या लॉजिक अप्लाई करते हैं, वो कई सारी जगह पे हम और कई जगह पे कर सकते हैं इस्तेमाल, ऐसे टेक्निक्स इसका यूज हम कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट इज वाई इट इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। ओके अदरवाइज जो इक्वालिटी वाले सम है वो आपको ठीक से करने हैं। ठीक है, सो जस्ट आई एम राइटिंग योर होमवर्क टूडे। एक्सरसाइज 4.1 एग्जाम्पल 16 17 इक्वालिटी वाले हैं, फिर 20 22 23 ये चीजें हैं, और ये सारी चीजें मैंने करवाई है, नथिंग न्यू बेटा। ओके आप ये चीज कर सकते हो, फिनिश हो सकता है। ओके नेक्स्ट लेक्चर में हम 8th वाला चैप्टर, ओके बाइनोमियल थ्योरम, वो चीज देखेंगे, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट और अच्छा चैप्टर है, और जेडब्ल्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो चैप्टर। ओके 8th वाला बाइनोमियल थ्योरम, ओके दैट विल जस्ट कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके तो आज का लेक्चर यहाँ पे फिनिश करते हैं।